हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल डी टू आर स्टडी में। आज हमें इस वीडियो में बताना दोस्तों कि कैसे फ्रेंड्स दिसंबर महीने से पढ़ के तैयारी करके शुरुआत करके हम लोग कैसे फ्रेंड्स एग्जाम में 90+% मार्क्स ला सकते हैं, इसी के समझाना दोस्तों। क्योंकि फ्रेंड्स आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबका एग्जाम बहुत ही नज़दीक बहुत ही करीब आ चुका है, 2023 में होने वाला है 10th का एग्जाम। तो उसी के सिलसिले में कुछ आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप सहारा लेकर आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। जो आप पिछले कैसा प्रिपरेशन किए उससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपको बूस्टअप करेगा फ्रेंड्स। ये सब तो सारा से बताऊंगा, उसमें कुछ अनुभव से बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहीं कहीं अनुभव किया हूँ, मैंने वैसा कहीं स्ट्रेटजी अपनाया हूँ और मैंने खुद 90+ मार्क्स लाया हूँ 10th में, तभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को, क्योंकि बहुत अच्छा आप सबके लिए है। क्योंकि मैंने तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे वीडियो डाल दिया एग्जाम यूट्यूब पर, आपने बहुत सारी पढ़ाई हुई चीज़ों, लेकिन वो सारा का सारा मायने नहीं रखता एग्जाम में, कहीं ना कहीं कुछ रणनीति मायने रखता है, कुछ आपका षड्यंत्र माने रखता है जिससे कि आपको एग्जाम में मार्क्स को बढ़ाएगा। और कई बच्चे इसे करते भी हैं, पढ़ने में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन एक जो अलग तरह से किया जाता है वो बहुत ही आगे चलता है, ठीक है। तो आज ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं, उसी को सीखने समझेंगे क्या रणनीति है, क्या आप जो कमी आपके अंदर है वो क्या नहीं किए हैं, वो करना चाहिए अब इस लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट में, उसे समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए लक्ष्य क्या बोर्ड एग्जाम 2023 आपको, ये बोर्ड से रिलेटिव हो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड कोई भी, क्योंकि सबका तो एग्जाम फरवरी मार्च में ही हो जाता है 23 में, ठीक है। तो हम लोग का भी एग्जाम है, अभी हम लोग का कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा आपका, जनवरी आएगा, उसके बाद फरवरी आएगा, मार्च, किन्हीं का मार्च में एग्जाम है, किन्हीं का फरवरी का फर्स्ट वीक में ही है, ठीक है। अब देखिए, अब भाई बात है दिसंबर तो चल ही रहा है, जनवरी फरवरी ये पूरा आपको पूरा जनवरी बचा हुआ है, ठीक है, और ये इसका आपका हाफ बचा हुआ है दिसंबर का। अब भाई देखिए क्या करना, देखिए अब सबने तो कोई कोचिंग ज्वाइन किए हैं ऑफलाइन, कहीं ना कहीं तो किए होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, कुछ तो पढ़े, चलिए वो पढ़े हम बात हटा दीजिए, क्या पढ़े नहीं पढ़े बात हटे। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, एग्जाम आपको देना क्या 2023 में, अब सबसे पहले आपको क्या करना भाई, देखिए अब ये पूरा जो एक या डेढ़ महीना बचा हुआ है, चाहे 50-60 दिन जितने बचा हो, उसको कैसे हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए आप क्या करिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, अब पूरा आपका फोकस प्रीवियस ईयर पर करना है। क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने भी क्या करता, मैं पूरा पढ़ लेता था ना एग्जाम में, पूरा पढ़ लेके मैं लास्ट 2 या 3 महीने में क्या करता, पूरा प्रीवियस ईयर बनाता था, पूरा प्रीवियस ईयर को मैं एक्सप्लेन करता था, क्योंकि सवाल है ना प्रीवियस ईयर आते हैं। अब क्यों आते हैं मैं बताऊंगा, क्यों आते हैं प्रीवियस ईयर, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए तो पूरा दोस्तों आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर जो आपका 16 पेपर होगा उसको ले लेना है। एग्जाम में क्या आपको क्या होगा, देखिए अब मार्केट वगैरह मिलता होगा एक पूरा प्रीवियस ईयर का गेस या मॉडल पेपर बोलते हैं या ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, ठीक है, वो मिलता होगा। उसमें क्या होगा फिर आपका 2023 जो है ना 2022 का रहेगा, 2021 का रहेगा, 2020 का रहेगा, जितना भी रहेगा आपको, देखो ज्यादा नहीं करना है, आपको बच्चा क्या 2011 का मरेगा सिर्फ, 2012 का मरेगा, तो वो सवाल एग्जाम में नहीं आता है। आपको क्या करना है 2015 से क्या करना है ऊपर वाला का, जो 15 से 16, 17, 18, 19, 20 इतना आप कर लेते हैं, तो उतना क्या करें, उतना क्वेश्चन आप ले लीजिए सारा क्वेश्चन का, और सारा क्वेश्चन का आप कहीं से यदि उस जो मॉडल पेपर लेते हैं उस मॉडल पेपर में उसका सोल्व हो तो सही है, यदि नहीं हो तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, आप गूगल का सहारा लीजिए, आप बुक का सहारा लीजिए और सारों को सोल्व कर लीजिए। ये पे क्या, ये देखिए फर्स्ट स्टेप है, ये मत समझिए कि अभी पूरा हो गया, ये आपका स्टेप फर्स्ट है, 90 ऐसे नहीं लाना भाई, इसको मेहनत लगता है। तो पहला क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक से ही करूँगा क्योंकि आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा लाइटिंग ज़्यादा रहता है। तो प्रीवियस ईयर फर्स्ट क्या है, प्रीवियस ईयर कितना साल का, मिनिमम कितना साल का, 7 ईयर का, क्योंकि कहीं कहीं अल्टरनेट गैप करके पूछेगा, एक साल का पूछेगा तो नहीं पूछेगा, कैसे भी होता है, तो 7 ईयर का मिनिमम 7 ईयर का प्रीवियस ईयर कर लीजिए। कहाँ से करना है, गूगल से करना है, यूट्यूब से करना है, कहीं हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा जो मोस्टली डाला ही है, उसको पहला कर लेना। अब ये तो पहला कर लेना, और उसके साथ साथ क्या करना फिर आपको, देखिए कोई बच्चे क्या करते हैं ना बहुत कुछ कुछ पढ़, देखिए जो पढ़ लिए उनके लिए भी सही है, जो नहीं पढ़े उनके लिए सही है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, मान लिया आप कुछ पढ़ने वाले कैटेगरी में आते होंगे, कुछ पढ़ लिए हैं लेकिन पढ़ अब क्या करो, आप बस कॉपी निकालते होंगे देखते होंगे, लेकिन ये काम गलत कर रहे हैं। अब आप क्या करिए, लिखने का रिविजन करिए। अब ऐसा नहीं है कि बस मैं क्वेश्चन मान लीजिए पढ़ लिया, रक्त और लसिका में अंतर है तो मैं पढ़ लिया रक्त लसिका अंतर, वो नहीं, आपको रक्त लसिका में अंतर याद है तो अभी से क्या करिए, बुक लीजिए या कॉपी लीजिए, कॉपी में क्या करिए लिखिए उसको रक्त और लसिका में अंतर, और अच्छा सुंदर राइटिंग में, क्योंकि अभी 1-2 महीने आप अच्छा से राइटिंग से लिखिएगा तो वहां पे क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में जाने जान दीजिएगा तो वहां पे आपको अच्छा राइटिंग बैठेगा, और भी आप लिखना छोड़ दीजिएगा, बस कॉपी पलटिएगा याद करिएगा
तो वो गलत चीज है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको ज्यादा, क्योंकि अभी से अब लिखना रिविजन करिएगा तो एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी जल्दी पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। और बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे पढ़ लेते हैं, पूरा दिमाग याद है, पूरा मुंह पे याद है, लेकिन वो कलम से ज्यादा नहीं लिखते हैं। तो लिखने से क्या होता है, एग्जाम में राइटिंग खराब बैठता, लिखते तो सही पॉइंट है बट एग्जाम में खराब राइटिंग बैठता और नंबर नहीं मिलता। तो पहला क्या करना है, अभी से क्या करना दोस्तों, अभी से 7 या 8 पेज लिखने का प्रयास करिए। अब लिखना कौन सा लिखना भाई, कुछ भी लिख देगा नहीं, जो आपको सवाल प्रीवियस में पूछा गया है। अब देखिए मैं प्रीवियस का मतलब ये नहीं है कि मैं खाली मैथ का प्रीवियस करना है, मैथ का करना है आपको, सोशल साइंस का करना है, साइंस का करना है, हिंदी का करना है, इंग्लिश का करना है और आपको संस्कृत भी है, तो संस्कृत को करना है। यानी कि सारा सब्जेक्ट मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ऑल सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस करना है, ठीक है। अब राइटिंग किसका लिखना है, मान लीजिए आपको कोई एस दिया है, एस मान लीजिए प्रीवियस पूछ दिया है, ऐसे मान लीजिए किसका, ऐसे मान लीजिए मेरे प्रिय कवि ऐसे पूछा, तो आप उसको समझ लिए कि ऐसे आया है, अवसर ही करना। आप ऐसे को समझ लिए, अपने से लिखिए, क्योंकि लिखने से क्या होगा ना, ज्यादा याद होता है। मैं भी लिखता हूँ, मैं लिखता तो मैं ज्यादा लिखने से प्रयास करता हूँ, मेरे को जो याद किया ना उसको मैं लिख देता हूँ कॉपी में, ताकि वो ज्यादा याद रहता है। ये मैं अपना स्ट्रेटजी अपनाता हूँ, आप भी अपनाइए। तो लिखने का प्रयास करिए, जो भी प्रिय से पूछा गया ऐसा नहीं उसे पढ़ लेंगे रट लेंगे याद हो गया, उसको लिखे करिए अपना, अभी से भी नोट्स भी बनाइए, अभी भी एक महीना बचा उसमें भी, तो वो आपको लिखना है। ये हो गया भाई। अब दूसरा भाई क्या करना है, एक को आपको बता रहा है टाइम टेबल। अभी जो पहले पढ़े हैं ना उसका टाइम टेबल अलग होगा, लेकिन अब जो एक डेढ़ महीना बनाना है उसको टाइम टेबल बनाइए कि भाई मुझे सुबह मान लीजिए चार से पाँच मान लीजिए आपको क्या करना, तो 4 से 5 आपको मान लीजिए क्या सोशल साइंस पढ़ना है, मान लीजिए फिर 15 मिनट का गैप लीजिए, फिर मान लीजिए 5:30 से मान लीजिए 6:30 तक, ये सब सारा प्रीवियस ईयर है। मान लीजिए साइंस पढ़ना है, अभी मान लीजिए दोपहर में मैथ पढ़ना है, तो अभी से एक रूटीन बना लीजिए प्रीवियस ईयर को, आपको पूरा प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। मैं बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्यों फोकस करना है। देखिए सवाल प्रीवियस ईयर इसलिए आते हैं क्योंकि देखिए आपका बोर्ड एग्जाम भी ये नहीं चाहता है कि बच्चा कोई फेल कर जाए, क्योंकि फेल करेगा तो उसको भी लॉस होगा, उसको भी बदनामी होगा, अरे भाई बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड में इतना बच्चा फेल किया। तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम भी क्या करता है फ्रेंड्स, कि प्रीवियस ईयर का सवाल को रिपीट कर देता है, इसलिए रिपीट करता है ताकि जो बच्चा नहीं पढ़ा अच्छा से तो प्रीवियस ईयर का सहारा लेकर पास कर जाए एग्जाम, अच्छा मार्क्स ले आए। और मैं बता दूं तो अच्छा सच्चे मन से प्रीवियस ईयर को पढ़ लेते हैं पूरी तरह से उसके। देखिए पढ़ने का मतलब ये, मान लें प्रश्न पूछा क्या कि रक्त के सभी संघटक का वर्णन करें, तो आप बस पढ़ लिए, उससे क्या होगा आपको रक्त का संगठन अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको रक्त से ब्लड से रिलेटेड आपको कोई सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो भी आपको क्लियर हो रहा है। आप ये समझ के मत पढ़िएगा कि बस रक्त हम याद कर लिए रट लिए तो हो जाएगा, नहीं, आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने से क्या हो रहा है, आपका एमसीक्यू भी क्लियर हो जा रहा है और थियोरेटिकल पार्ट भी क्लियर हो जा रहा है। तो वो क्या करना है, फिर उसका रूटीन बना लेना है। और ये क्या करना है आपको हैंडराइटिंग के लिए क्या करना है, आपको डेली 7 या 8 पेज लिखना है। लिखने से क्या होगा आपका राइटिंग भी सुधर जाएगा, जैसे खराब रहता है। और यह एक बात, उस राइटिंग लिखने के लिए उस पेन का इस्तेमाल करें जो आपको भी एग्जाम में लिखना आगे चल के, है ना, जो पेन का इस्तेमाल करना है आपको फ्यूचर में जो एग्जाम देना है 2023 में, उसी पेन से भी इसे लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छा राइटिंग बैठेगा, एग्जाम में भी अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे राइटिंग को, ठीक है। ये भाई बात हो गया, ये प्रीवियस ईयर का सवाल हो गया। अब भाई बात आता है, देखिए भाई एमसी क्या, देखिए अब आता है कि जिससे जो बच्चे देखिए पिछले वर्ष को कुछ पढ़े हैं, कोचिंग वगैरह में पढ़े हैं, तो जो अपना जो उनका नोट्स होगा, जो अपना नोट्स होगा नोट्स को भी पढ़े, ऐसा नहीं भाई अभी कभी बच्चे में क्या देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ कभी बच्चे पढ़ रहे हैं ना तो पूरा अपना नोट्स को छोड़ दिए, पूरा प्रीवियस ईयर गेस वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो गलत चीज है। आपको अभी कोई लेना साथ में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आपका नोट्स भी सवाल आ जाएंगे तो आप याद नहीं रहेगा, पढ़े हुए रहेंगे तो आपको बहुत अफसोस आएगा, ये पढ़े तो नहीं हो रहा है, ये कर लेना, ठीक है। तो नोट्स को भी पढ़ना आपको साथ में पढ़ना है। अब भाई बात ये तो क्या, नोट्स को पढ़ लेंगे कोई दिक्कत, चलिए अब इसके बाद अभी क्या करना, इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात क्या, अभी से बात किया, देखिए अभी क्या आपको दोस्तों ज्यादा, अब आपको एक दो महीना जो बचा है वही आपको पूरा इंपॉर्टेंट काम करेगा एग्जाम के लिए। आपको जितने भी दोस्त वगैरह हैं उन सब ज्यादा दोस्ती मत बनाइए, क्योंकि अब आपको देखिए उसके पहले देखिए 5-6 महीना ऐसा कहा जाता है कि आपने साल भर पढ़ा ये मायने नहीं रखता, आप एग्जाम का 1-2 महीने क्या पढ़ा ये मायने रखता है, क्योंकि 1-2 महीने वाला ही आपका जो काम करेगा ना वो अच्छा एग्जाम में मार्क्स लाएगा। मान लीजिए अब 1-2 साल एक बार 6 महीने 8 महीने पूरा पढ़ लिए, एग्जाम को 2 महीने आप रेस्ट में आ गए, कुछ हो गया डिजीज वगैरह,
तो आपको एग्जाम खराब आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा महीने पढ़े तो एग्जाम अच्छा जाएगा, नहीं खराब आएगा, क्योंकि आप 2 महीना रेस्ट किए तो एग्जाम के पहले रेस्ट कर लिए। तो वही होता है, पिछला साल पढ़े या ना पढ़े उसमें मत टेंशन लीजिए, अब आपको 1-2 महीना ना पूरा फोकस इसमें देना है। क्या फुल फोकस आपको क्या करना है, अपना स्टडी पे देना है। आप देखिए कम से कम तो कितना पढ़ना पड़ेगा भैया, कम से कम कितना पड़ेगा, तो कम से कम तो आपको 5 से 6 घंटा, कम से कम बताओ 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई आपको ये मायने रखता है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ज्यादा है। 10th में क्या रहता है, सोशल साइंस के अंदर भी बहुत सारे आ जाते हैं आपको, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस बहुत सारा रहता है ना, वो पढ़ना है। तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटा भाई देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आप सोचिए कि भी वही काम करें तो नहीं हो पाएगा। ओके 90+ मार्क्स लाने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब भाई ये देखिए मैं ये बताता हूँ, मैं पूरा प्रीवियस ईयर तो पढ़ना ही, साथ में आपको जो नोट्स वगैरह बनाए हैं वही पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे यार, पढ़े होंगे ना। अब मैं बता दोस्तों आपको एक ही चीज हो गया भाई, क्लियर हो गया कि कम 5 से 6 घंटा हमको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, हमको टाइम टेबल से बना के पढ़ना है, और इतना पेज तो लिखना, मिनिमम ये पेज लिखना है, ठीक है। और देखिए आइए बताता हूँ दोस्तों, आपको जो प्रीवियस ईयर सोल्व करना है ना, तो आपको ये नहीं कि मैं 16 का क्वेश्चन बना लिया, 17 को बना लिया, गलत बात। आप जब 2016 का सोल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो जो 16 का सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। जैसे आपका मैथ का है तो मैथ का जो 16 बड़ा क्लियर हो गया भाई, मैं क्या करूंगा फिर सोशल, फिर मैं सोशल साइंस को मैं क्लियर कर लूंगा, फिर मैं साइंस को क्लियर कर लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा हिंदी को कर लूंगा, ये सब 2016 का ही करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा आपका फिर मैथ का कर लूंगा, ऐसे करके जब सीरियल वाइज, फिर 2016 का ही मैंने पूरा कर लिया सब्जेक्ट का पूरा। मैं एक मान लीजिए टारगेट मान लीजिए छोड़ा, एक सप्ताह का कि मुझे एक वीक में 2016 के सारे प्रीवियस ईयर है, मैथ का, सोशल साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का, वो सब कर लेना वो, यानी कि तो एक सप्ताह पूरा। अरे कि बच्चे क्या करेंगे ना, सिर्फ कॉपी में छाप लेंगे प्रीवियस ईयर को देखकर, नहीं छापना नहीं है आपको, समझ के उसको लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, कोई याद दे देगा पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, तो क्या करना है पहले पाचन तंत्र को समझ लेंगे क्या क्या कह रहा है, कर रहा है समझ लेंगे अच्छे से, फिर उसको अपने कापी में अपनी भाषा में उतारेंगे। एक बात याद, जो प्रीवियस ईयर का सवाल है उसको अपने लैंग्वेज में नहीं सोल्व करें, कुछ अपना अलग तरीके से भाषा में लिखें, ताकि आपको अच्छा मार्क्स लेगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, आपको देखेगा कि कैसा भाषा है, यदि बुक का भाषा है तो नमक काट देगा, क्योंकि पता है उसको बुक का भाषा को लिख नहीं सकता, और साथ में 10th का बच्चा, इसलिए अपना लैंग्वेज में लिखिए जो आपको आता है, थोड़ा सा खराब लगेगा लिखने में लेकिन आपको नंबर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं ये अनुभव किया हूँ, मैंने वैसे लिखा था मुझे मिला है, अब जानते हैं मेरा भी 90+ मार्क्स था 10th में, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ ये चीज करना, प्रीवियस ईयर हो गया, नोट्स अपना तो पढ़ना ही है। अब ज्यादा फ्रेंड्स से ज्यादा दोस्ती बनेगा, क्योंकि आपको आपका लास्ट टाइम है, लास्ट गोल्डन टाइम है, इसी को आपको यूज करना है, ये आपको अच्छा मार्क्स लाएगा, और आपका 10th में अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। एक बार फेल कर जाइएगा तो फिर आपको दोबारा पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसलिए जो भी करना है कर दीजिए, ठीक है। और बात है दोस्तों, ज्यादा आपको जो मोबाइल से दूरी भी नहीं बनाना है, क्योंकि आपको देखिए मोबाइल से ज्यादा आपको डिस्टर्बेंस भी होगा, बात जानते हैं सोशल मीडिया वगैरह, तो अभी से क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए आप पहले नहीं पढ़े हैं तो कुछ ज्यादा टाइम तो देना पड़ेगा ना, जो बच्चे पढ़ लेते हैं ना उनको ज्यादा हार्ड नहीं लगता है, लास्ट टाइम लगता हो जाएगा बस, लेकिन आप नहीं पढ़े हैं तो आपको पूरा पढ़ना है। और बता दो अभी से दोस्तों क्या करें, अभी से नया नया चीजों को पढ़ने का कोशिश नहीं करें, जैसे मान लीजिए आपको कुछ छूट गया है, उनके लिए जो बच्चे ज्यादा पढ़ लिए कुछ सब कर लिए, तो जो नया बच्चे नया जो टॉपिक आ रहा है उसको छोड़ दें, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ने के चक्कर में क्या होगा आपको वही भूल जाइएगा। और सबसे लास्ट बात ये हमारा है फ्रेंड्स, ये चीज याद कर लीजिएगा, मेजोरिटी को पकड़िए। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है भाई, जो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाता है, एग्जाम में ज्यादा मार्क्स, ज्यादा मार्क्स क्या लगा भाई, टॉपिक, जो ज्यादा मार्क्स टॉपिक लाता है उसको पकड़े। अब कोई ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो 1-2 नंबर लाएगा तो क्या पढ़ेंगे भाई, जैसे ईंधन वगैरह है, क्या पढ़ेंगे, 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, ये आता भी नहीं है, उसको नहीं पढ़ेंगे। और जो ज्यादा मार्क्स आता है सवाल है उसको पढ़ेंगे, समझ आ रहा है। जैसे आपको एसे वगैरह आ जाता है, एसे को याद कर लीजिए, एप्लीकेशन आता है उसको भी याद कर लीजिए, समझ आ रहा है ना। जैसे संधि है हिंदी का टॉपिक है, समास है, ये सब याद कर लीजिए, तो ये सब मेजोरिटी है। ऐसे कोई कोई बच्चा क्या पढ़ेगा ना, अलंकार पढ़ेगा 10th में, अलंकार आता है भाई, नहीं आता क्यों पढ़ेंगे। जैसे फिजिक्स में क्या करेगा बच्चा, को क्या पढ़ेगा बताता हूँ, ऐसा वो डीपली चला जाएगा, तो वो सब बेवकूफी का चीज है, क्योंकि आता ही नहीं। तो मेजोरिटी को पकड़िए, ताकि जो ज्यादा आता है मेजोरिटी को ज्यादा कसकर पकड़ना है, ताकि छूटे नहीं, उसमें डिटेल जाना है, ताकि सवाल अच्छा
आए, अच्छा मार्क्स आए, ठीक है। तो मेजोरिटी को पकड़ जो एक दो नंबर का सवाल उसको पकड़े, जो ज्यादा आता है जिससे कोई पांच पांच मार्क का सवाल आ जाता है, सब सचित्र वर्णन करना रहेगा, फिगर बनाना रहेगा, तो सब चीज को पकड़िए, है ना। जैसे मेंडल कर लिया, सब पांच मार्क का सवाल आएंगे, ठीक है। मनुष्य लिंग दिखा रहा है, सब पांच मार्क का सवाल आते हैं, तो सबको हमेशा याद रखिए, बार बार रिविजन करते रहिए, ताकि आप कोई सच्चा अधिके। अब बताता हूँ प्रीवियस से तुम्हें बताया जाता क्यों आता है सवाल, ताकि बोर्ड एग्जाम ये नहीं चाहता कि बच्चा फेल कर जाए, क्योंकि जब मैं भी बीटेक का एग्जाम देता हूँ ना, तो मुझे भी एक्सपीरियंस है। वहाँ ये क्या करता है ना, जो यूनिवर्सिटी होता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो क्या करता है प्रीवियस को डाल देता है, दो तीन सवाल क्यों डालता है, ताकि वो दो तीन सवाल प्रीवियस को बना के बच्चा पास कर जाए, फेल करेगा तो बदनामी होगा यूनिवर्सिटी का। इसलिए बोर्ड एग्जाम यही चाहता है प्रीवियस डाल दें, और प्रीवियस डाले और आपको जानते हैं कि ऑप्शन भी ज्यादा है, आपको ऐसा तो नहीं लगा कि एक दो तीन चार ये चारों क्वेश्चन को बनाना, नहीं, आपको इसमें से दो ही बनाना रहेगा, दस में से पांच ही बनाना रहेगा, छह में से तीन ही बनाना रहेगा, और सौ एमसीक्यू में से पचास एमसीक्यू बनाना रहेगा, है ना। बिहार बोर्ड का पैटर्न है, तो भाई ये तो आपको ऑप्शन दे रहा है, तो आपको तो डरना नहीं है, आपको तो पढ़ना है तो पढ़िएगा, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है। और लास्ट ये बात सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो बोल रहा हूँ उसे याद रखिएगा, क्योंकि मैं इधर से निकल रहा है ना, तो ऐसे नहीं निकल रहा है, ये मैं भी ऐसे किया हूँ, ठीक है। अब लास्ट बात क्या भाई, देखिए कहीं कहीं बच्चा क्या एग्जाम देने जाएगा और क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करेगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो वहाँ पर फिर क्या करना, उस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर देना है, उसको भी बना देना है, कुछ भी लिख देना है। जैसे आप पूछा ओम का नियम, नहीं आता है हमको, आता है जूल का नियम, तो जूल का नियम लिख देंगे, बात खत्म। मान लीजिए पूछ दिया हमको बिल चुके प्रेरण, हमको नहीं आता है, हमको दूसरे को आता है, तो वहां पर उसको घुसा देंगे, ताकि एग्जामिनर ये समझेगा कि बच्चा कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, भले ही ओम का नियम नहीं पढ़ा है, भले ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा है, जब नहीं लिखेगा तो नंबर क्या देगा, बात खत्म। यानी कि जो नहीं आएगा उसको भी कुछ ना कुछ बना के चलाना है, कापी नहीं छोड़ना। ये हो गया बात, दूसरा वहां का बात बता रहा हूँ, और इसका एक और बात बताऊँ, क्या बताता हूँ, देखिए क्योंकि बच्चा अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको सब चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से होता है, आपको सबको ध्यान रखना पड़ेगा जो आपको इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे एग्जाम में एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए, कि वहां पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो पहला क्वेश्चन जो रहेगा ना, शुरुआत के दो तीन पेज अच्छा लिखिएगा, अच्छा से एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइड करता है कि कैसा बच्चा लिखा, कैसा जानता है। क्योंकि मैं भी बेटे का एग्जाम देता हूँ, तो मैं पहले प्रश्न उस प्रश्न को अटेम्प्ट करता हूँ जिसके अगर मैं ज्यादा जानता हूँ, उस वक्त ज्यादा बोल सकता हूँ, ज्यादा लिख सकता हूँ। तो आप भी वही करिएगा, क्योंकि आपको एक से लेकर दस रहेगा, दस से पांच बनाना रहेगा, तो आप पांचों उस पांच प्रश्न को चुनिएगा ना जिसको आप ज्यादा लिख सकते हैं, जिसको आप ज्यादा जानते हैं, बात समझा। तो पहला प्रश्न अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को एक लगातार एक दो पेज अच्छा लगेगा, तो फिर लास्ट में चलते चल जाएगा, वहाँ बहुत सारा कापी रहता है, उसको बहुत सारे को देखना रहता है, ठीक है। अब पाला में कटम कुटम रहेगा, ऐसे लिख दीजिएगा राम, और ऐसे ऐसे काट दीजिएगा, तो सब गलत इसमें नहीं करिएगा, ठीक है। इसे मैं लिख दिया हूँ श्याम, तो इसको ऐसे कर देना, गलत तो होता है, सबसे गलत होता है, तो उसको बीच ऐसे कर देना, ऐसा ऐसा मुँह कटना नहीं है, सब गलत रहेगा, और कापी साफ रहना चाहिए। अब पूरा प्रीवियस ईयर फोकस करिए, पूरा नोट्स को रिविजन करते चलिए, और अभी से पूरा टाइम दीजिए अपने स्टडी पे, सारा दोस्त खत्म, बोलिए कि एक महीने के लिए तुम बाहर चले जाओ, हम भाई एक रूम के अंदर पैक हो जाते हैं, अब पढ़ रहे हैं, बस ऐसा समझिए, क्योंकि आपको भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंथ बच्चा जो फेल करता है उसको बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत सारे समाज में इज्जत नहीं मिलता है, इसलिए पहला आपका पड़ाव है, पहला सीढ़ी है, अच्छा सीढ़ी है, ठीक है। ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए जो नहीं कुछ पढ़ा उसको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पड़ेगा, जो नहीं कुछ पढ़ा तो प्रीवियस ईयर पढ़ लो भाई, पास करने के लिए, पास नहीं सॉरी, आपको 80% मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि अब आसान हो गया 80% मार्क्स लाना, भाई एमसीक्यू कर दिया है, 100 में 50 को बनाना है, 80 में 40 बनाना है, तो ये सब तो भाई आसान हो गया ना, तो अब ला सकते हैं। अच्छा अच्छा बच्चा देखा मैं, जो नहीं पढ़ता है ना, वो 80% मार्क्स लाता है, तो वो क्या करता है, एक दो महीने को टाइम को अच्छे जगह देता है, तो आप दीजिए, ठीक है। बहुत सारा वीडियो लॉन्ग पड़ गया, जो कि चूंकि मैं जानता हूँ, मैं जो आता बता देता हूँ, ठीक है, इसलिए लॉन्ग पड़ गया। मैं ऐसा नहीं चाहता कि कुछ छोड़ दूँ, कोई बच्चा को नहीं दूँ, क्योंकि एज ए फ्रेंडली मैं ही एक तरह से आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो सब चीज को ध्यान में रखिए, पढ़िए, और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। क्योंकि मैं आप 17 का फिर 12th आइएगा, साथ में रहेंगे, फिर स्टेज को बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, आज का वीडियो कैसा लगा, कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे हुए, क्योंकि खराब बात तो बताया नहीं, अच्छा बात बताऊँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर करें अपने ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि जब आपका फ्रेंड्स इस बताएं इस वीडियो में कुछ कमियां, वो कमियां के पास है तो दूर हो जाए, इसलिए प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि फिर मैं इस चैनल पर दोस्तों अब जो एक दो महीना बचा हुआ है, उस एक दो महीने में दोस्तों आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल देने वाला हूँ, स्टडी मटेरियल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आप कुछ ना कुछ फायदा करें, आप एग्जाम में मार्क्स लाएं, ठीक है। तो अब एक दो महीने के लिए प्लीज चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको सारा वो सारा स्टडी मटेरियल सब
लाभ उठाते रहें और सीखते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले बताएगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।